इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि जो रेसिपीज़ हैं हमारे जो इंसर्ट हो चुके हैं उसको हम लोग फ्रंट पे कैसे दिखाएंगे विथ अ कैटेगरी। अब हम लोग कैटेगरी से प्रोडक्ट में रिलेशन करेंगे, ठीक है। तो हम इसके लिए जाते हैं कैटेगरी के मॉडल के पास। अब कैटेगरी मॉडल के पास जाने के बाद पब्लिक फंक्शन फंक्शन और इसमें इसका नाम प्रोडक्ट्स, क्योंकि प्लुरल फॉर्म में आ जाएगा क्योंकि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है। और उसके बाद रिटर्न और दिस और एरो लगा के यहाँ पे हैज़ मैनी होगा, ठीक है। हैज़ मैनी, अब हैज़ वन नहीं, हैज़ मैनी यानी वन टू मैनी का रिलेशन। अब इसमें देखो रिलेशन के लिए सबसे पहले मॉडल बताना पड़ेगा। तो आपको एक्चुअल में मैं बता दूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस नहीं किया, ये इंपोर्ट नहीं करने की ज़रूरत है क्योंकि इसी पेज में हम लोग हैं। फिर ये देख लेते हैं ये बिना इंपोर्ट किए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, देखो यहाँ नीचे एरर नहीं आ रहा है ना। तो हम आपको दिखा देते हैं कि बिना इंपोर्ट किए हम लोग का ठीक ठाक काम करेगा। चेक करो प्रोडक्ट काम करता है कि नहीं करता, ये वाला नहीं पेज, ये मैंने अधूरा लिख रखा है ना इसलिए नहीं काम करेगा, ये वाला कमेंट करना पड़ेगा। चेक करो देखो अभी भी काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम लोग मॉडल में किसी को इंपोर्ट करने की ज़रूरत, किसी मॉडल में मॉडल को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा बात। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट्स, सॉरी प्रोडक्ट क्लास दोबारा कॉलन। अब आपको फॉरेन की डिस्कस करना है, तो जो फॉरेन की है कैटेगरी में उसका नाम है कैटेगरी आईडी, और जो लोकल की है वो है आईडी, शायद उल्टा हो गया, लोकल की हो गया आईडी और फॉरेन की हो गया कैटेगरी आईडी, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसके लिए हम जाते हैं कॉलिंग के प्रोसेस पे। तो देखो जो भी मेरे फाइल्स ओपन हैं क्लोज ऑल पे क्लिक करके सबको खाली एक साथ कर सकते हैं, क्यों बार बार करना, ठीक है। इसके बाद हम अपने कंट्रोलर को खोल लेंगे, जिस कंट्रोलर से हमको काम है वो कंट्रोलर है मेरा होम कंट्रोलर, उसमें हम अपना सारा प्रोजेक्ट को इंपोर्ट कर लेंगे अपने एचटीएमएल पेज पे। तो ऐप स्लैश मॉडल्स स्लैश और प्रोडक्ट, सॉरी कैटेगरी को कॉल कर लेते हैं। कैटेगरी से फिर हम सारा मॉडल निकाल लेंगे, मतलब प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो कैटेगरी को कॉल करने का मतलब है डॉलर डाटा कैटेगरीज, ठीक है, और कैटेगरी दोबारा कॉलन और नथिंग टू डिस्कस, ठीक है, और ये डॉलर डाटा। अब इसके बाद हम जब इस डेटा को यहाँ से पास किया है तो होम के पेज पे रेंडर करा सकते हैं। तो होम का पेज कौन है, ये एडमिन का काम था, होम के अंदर होम डॉट डिले डॉट पी ये वाला जगह। तो यहाँ पे हम सिंपल काम करते हैं, एक फॉर ईच लूप लगाते हैं और कैटेगरीज और इसका नाम आइटम की जगह कैट रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि लूप के अंदर लूप चलाने वाले हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे चलाएंगे और ये देखेंगे कि क्या मेरा कैट के अंदर से प्रोडक्ट बाहर आ रहा है। प्रोडक्ट क्या, फंक्शन का नाम प्रोडक्ट्स, कौन फंक्शन का नाम जो मैंने कैटेगरी टेबल मॉडल में बनाया था, एग्जैक्टली ये भी अब एक एट्रीब्यूट की तरह रिएक्ट करेगा। तो मैं आ जाता हूँ होम पेज पे, ये हटाकर, और देखो ये ब्लैंक एरेज आ रहे हैं, तीन तीन एरे ब्लैंक आ रहे हैं, यानी टोटल कैटेगरी मेरा तीन है, ठीक है। तो मेरा ये वाला कनेक्शन सही नहीं हुआ, तो हम उल्टा कर देते हैं, कैटेगरीज कैटेगरी डॉट, ये हो गया लोकल की। अब चेक करो, वाह, तो मेरे पास एरे आ गया, इसका मतलब डेटा आ गया, ठीक है। तो मेरे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हम चेक कर लिया, ये उल्टा ही हम सही लिखा था, बाद में हमने उल्टा कर लिया। खैर, तो ये प्रोडक्ट्स मेरे में दिख रहे हैं, हम प्रोडक्ट्स तो नहीं दिखाएंगे, हम पहले यहाँ पर कुछ मज़ेदार कंटेंट बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर एक कंटेनर बनाते हैं, कंटेनर लूप के अंदर चल रहा है सब, और उसके अंदर एक रो बनाते हैं, कॉल्ड एज 12 डालते हैं, और 12 के अंदर H2 का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे कैटेगरी का नाम डाल देते हैं, डॉलर कैट एरो कैट आईडी। तो इससे क्या आ गया, मेरे जो कैटेगरीज हैं वो तीनों आ गए, ठीक है। अब इन कैटेगरीज के अंदर, मतलब कैटेगरीज के बाद यानी रो के बाद एक और रो बनाकर उसमें हम लोग कार्ड को ग्रुप कर सकते हैं। कार्ड ग्रुप एक बूटस्ट्रैप का कंपोनेंट है जिसमें कई सारे कार्ड्स डाल सकते हैं। तो हम कई सारे कार्ड्स डालने का मतलब है कि हम फोर से फिर से फोर इच लगाएंगे, बट इस बार जो लूप है मेरा वो आएगा कैट, जो कि लूप चल रहा है एरो प्रोडक्ट्स। तो मतलब कैट एरो प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ कि हम उस कैटेगरी का सारा प्रोडक्ट को दिखाना चाहते हैं, वो मॉडल में प्रोडक्ट जो लिखे थे वही वाला है। अब ये आइटम आ गया, अब जो भी प्रोडक्ट्स आएंगे वो कार्ड में लूप चलेगा। अब कार्ड में लूप चलने का मतलब है कि हम लोग को इमेज ऐड करना है,
कार्ड डैश इमेज डेस्कटॉप, ठीक है, ये क्लास हो गया। और ये इमेज हमको दिखाने के लिए एसेट्स, एसेट होता है ना, और इसके बाद फोल्डर का नाम है, देखो ये लिंक वाला मामला, ये पब्लिक फोल्डर किधर गया, मॉडल को हटाना है, इसको हटाना है, ये देखो यहाँ स्टोरेज, ठीक है। तो का एसेट्स के अंदर क्या है, स्टोरेज है, और उसके स्लैश डॉट आइटम एरो इमेज, ठीक है, चेक करें, देखो इमेजेस आने लगे हैं, बस उसको सही से अरेंज करने की ज़रूरत है। तो एक गलती यहाँ पे ये है कि एक कॉल का साइज़ क्या होगा, तो लूप जो चल रहा है एक्चुअली हम क्या करें, कार्ड ग्रुप नहीं डालते, हटा देते, ठीक है, और ये कार्ड को एक साइज़ फिक्स कर देते हैं कि हमको इतना चाहिए, जैसे कॉल डैश 3, तो फिर ठीक है, ठीक है। अब ये जो कंटेनर है इसमें मार्जिन बॉटम और टॉप यानी वाई 5 कर देते हैं ताकि थोड़ी दूरी बन सके, ठीक है। देखो अब जितने भी नमकीन के प्रोडक्ट ऐड करेंगे वो बगल में इसके आएंगे, और मीठा के प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा, और यहाँ कोई प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा। चेक करा के दिखाएं, देखिए मेरा वो हो गया है सारा काम। अब हम इसमें प्राइस वराइज इधर उधर जो कुछ दिखाना है वो सब यहाँ डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हम लोग बेसिकली यहाँ ऐड आइटम, और उसके बाद प्रोडक्ट्स, उसके बाद इंसर्ट प्रोडक्ट, एक नमकीन डालते हैं, ठीक है, बीकानेर भुजिया, BHUJIY है, ठीक है, ये वेज है, ये नॉन वेज क्या है, तो बीकानेर भुजिए, इसका इमेज सर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो जो भी इमेज हमको नज़र आएगा हम वो डाल देते हैं, ठीक है, जैसे ये इमेज है, इसको डाउनलोड करते हैं, थोड़ा सा क्लियर भी होना चाहिए इमेज, तो इसको डाउनलोड करते हैं डेस्कटॉप पे, और फिर ये यहाँ पर इंपोर्ट, प्राइस डालते हैं 400 रुपये के जी, डिस्काउंट में 350 रुपये के जी, एंड डिस्क्रिप्शन तो हम लिखने से रहें। तो इसके बाद यहाँ पर क्या नाम से सेव किए थे, ये एक फाइल है, आइए, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखो स्नैक्स एंड नमकीन में सेलेक्ट किया, क्रिएट कर दिया, तो आपको ये वाला ऐड हुआ है। अगर हम इसके फ्रंट पेज पे चेक करेंगे इसको जाके, तो आप यकीन करें वो कहाँ आएगा, आ रहा है। तो सबकी हाइट वेट ये सब फिक्स करते हैं, और सबको और डिज़ाइनदार बनाते हैं। तो इसके जस्ट नीचे कार्ड की बॉडी डालते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन हमको डालना है वो ऐड करते हैं। तो इमेज हमको इतना बड़ा नहीं चाहिए, हमको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्चुअल में इमेज को और बॉडी को मैनेज करने के लिए हम रो का इस्तेमाल करते हैं, कॉल डैश इमेज के लिए हम रख लेते हैं 4, और जो बॉडी है उसके लिए रख लेते हैं 6, ठीक है। तो बॉडी रहेगा 6 में और इमेज चला जाएगा 4 में, चेक करो ये इस तरह से। तो ये जो इमेज बाहर निकल गया है उसकी वजह है कि हम इमेज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो ये कार्ड डैश IMG डैश बॉडी लिखने की अब ज़रूरत नहीं है, W-100 डालो, ये उस पर फिट हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो हाइट है दोनों की सेम रखने के लिए आपको थोड़ा सा स्टाइलिंग कर लेना चाहिए, मतलब CSS, ठीक है। ये बूटस्ट्रैप में भी इसके क्लासेस अवेलेबल नहीं होंगे, तो आपको पहले हाइट एक फिक्स कर लेना चाहिए, जैसे मान लो कि 80 पिक्सल, ठीक है। तो आप देखेंगे कि कुछ खींच खाच के बराबर हो गया, लेकिन ये खींचने के बाद अच्छा नहीं दिखता, तो आप इसको ना यहाँ पे लिखिएगा ऑब्जेक्ट डैश फिट कवर। तो कवर में क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा होगा वो क्रॉप हो जाएगा, कोई इशू नहीं है मुझे, क्योंकि ये दोनों इमेज तो हमको ऐसे भी हटाना है। तो उसके बाद जो मेरे पास बॉक्स का एरिया बचा, बड़ा खूबसूरत सा दिख रहा है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले देख लेंगे यहाँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट में हम यहाँ पर S6, और इस जगह पे प्रोडक्ट का नाम दिखाना है, राइट। तो आइटम एरो टाइटल, तो देखो प्रोडक्ट के नाम आ गए। अब आपको इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो आप इसको कंट्रोल करें, साइज़ S5 से S6 कर दो, अच्छा वो S6 ही था, नॉर्मली स्मॉल लिख दो, हो गया। तो ये दिख रहा है, स्पेस बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है, ध्यान रखना है, तो आप पेडिंग से थोड़ा इसको कम कर सकते हो, यानी P-1 लिख दो,
तो फिर थोड़ा सा और सट के आ जाएगा, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से आप डिज़ाइन दे सकते हैं। 6 × 4 = 10 ही हुआ यहाँ पे, इसका साइज़ तब 8 हो सकता है, 8 × 4 = 12। देखो तो 8 × 4 = 12, ठीक है। और उसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद और क्या पॉसिबल है, इसके नीचे इसका प्राइस, राइट। तो प्राइस के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक रो और बना लेते हैं और उसमें कॉल बना लेते हैं। आप पहले प्राइस दे देते हैं आइटम का क्या है, आइटम एरो प्राइस, मतलब डिस्काउंट प्राइस क्या है जिसमें बेचना है, वो प्राइस ऐड हो गया यहाँ पे। उसके आगे RS या रुपी का साइन ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद उसके जस्ट बगल में एक और कॉल डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन वो वाला टैग डेल टैग के अंदर आएगा और ये ऐसे डाल दिया, तो यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस से प्राइस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो अब जो ये तुम्हारा पॉइंट है कॉल, कॉल बराबर बराबर हो गया, तो तुम इसको छोटा या बड़ा कर सकते हो, या हम कहेंगे कि एक ही कॉल में दोनों को डिस्कस कर लो, एक साथ आ जाएगा, ठीक है। अगर एक साथ नहीं आ रहा है तो उसको स्पैन में लेते आओ, यानी इसको स्पैन में डाल दो, स्पैन, ठीक है। तो फिर तुम साथ में ला सकते हो। तो इसका साइज़ वगैरह है डेल का, वो छोटा कर सकते हैं क्लास लगा के, जैसे स्मॉल टेक्स्ट डेस म्यूटेड, मतलब हल्का सा दिखेगा रहेगा, ठीक है। और इसको तुम स्पैन करके इसको कलर चेंज कर दो, टेक्स्ट डेस मान लो सक्सेस ग्रीन कलर का दिखाना है तो, ठीक है। और इसके बाद तुम्हारा थोड़ा ग्रीन कलर का दिखेगा, बोल्ड करना है तो FW फॉन्ट वेट बोल्ड, देखो, ठीक है। उसके जस्ट नीचे तुम एक बाय का बटन डाल दो, ऐड टू कार्ट का बटन डाल सकते हो, उसमें जा सकते हैं। तो ये रो के बाद एक BTN डैश डेंजर, नहीं डेंजर क्यों, सक्सेस ऐड टू कार्ट, तो ये कार्ट में ऐड करने के लिए एक बटन। तो ये बटन काफ़ी वो दिख रहा है, बड़ा साइज़ का दिखता है, तो पहले इसका राउंडेड ख़त्म कर देते हैं, राउंडेड 0। उसके बाद इसका साइज़ स्मॉल कर देते हैं, BTN-SM करके भी स्मॉल हो जाएगा, तो छोटा हो गया, ठीक है। तो कंट्रोल में दिख रहा है, अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि इस साइड जा सकता है तो लिखिए float-end, तो इस तरफ आ गया, ठीक है। तो आपको जहाँ फिल करना है, जहाँ पुट करना है, वहाँ पे पुट कीजिए। इन दोनों के बीच में थोड़ा गैप आ रहा है हेडिंग में और इसमें, तो इसमें नीचे लिखिए margin-bottom 0, तो फिर आपको उसे ऊपर सटा हुआ नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो ये है, और ये जो टेक्स्ट दिख रहा है आपको, यानी कैटेगरी का नाम, यहाँ पे इसको अच्छा से अच्छा कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट डैश कैपिटलाइज, ठीक है, पहला कैपिटल हो जाएगा। फिर उसके जस्ट नीचे बॉर्डर डाल सकते हैं, HR टैग से डाल सकते हैं, तो हर कैटेगरी के बाद HR टैग आ जाए, ऐसा भी किया जा सकता है। देखो ये जो डिवीज़न है पूरा लूप चल रहा है, इसके बाद एक HR टैग फिल कर दो, तो हर कैटेगरी चेंज करने के बाद एक लाइन खींच देगा, तो सेपरेट हो जाएगा। उसके अलावा तुम जैसे सोचो, अब ये तीन तीन करके ऐसे बढ़ता रहेगा, मीठा बढ़ता रहेगा, और ये फूडी, इसमें मैं रिकमेंड कर रहा हूँ प्रोजेक्ट को अच्छा दिखाने के लिए कम से कम 20-25 डेटा डाल दीजिएगा, और नहीं तो हम सीडर यूज़ करके डाल देंगे, ठीक है। तो वेज नॉन वेज का जो सिंबल है वो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, ज़्यादा मेहनत नहीं है इसमें, देखिए अभी हम फ्लॉट किया था ना एंड, इसी तरीके से एक ए टैग और बना लो और उसका फ्लॉट स्टार्ट रख लो, ठीक है। और ये जो बटन है ये नॉर्मली ए टैग यानी लिंक है, इसको स्पैन में कन्वर्ट कर दो ताकि ये सिर्फ रहे नाम का, इसके अलावा कुछ नहीं, स्पैन। और इसका जो बटन का जो डिज़ाइन करने का जो बात लिखा हुआ है वो सब हटा दो, कोई फ़ायदा नहीं। तो तुम नोटिस करोगे कि अभी तो दिखेगा नहीं, तो जैसे मैंने वहाँ पे किया था कंट्रोलर में इफ़ एल्स लगाकर, वैसे यहाँ पे भी करना है, इफ़ एल्स डॉलर आइटम एरो इज वेज, अगर ये रहा तो IMG का टैग चलेगा एसेट्स में से आइकन फोल्डर के अंदर v.png आएगा, png आएगा, तो ये देखो वेज वाला png आ गया, ठीक है। इसका साइज़ जो है इमेज का वो तुम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, 30 पिक्सल हाइट 30 पिक्सल, पूरा स्क्वायर शेप है तो आप दोनों को बराबर डाल सकते हैं, छोटा सा दिख रहा है। अब इसके अलावा एल्स वाला पार्ट में भी यही इमेज चाहिए तो कॉपी करो, पेस्ट करो और यहाँ पे NV कर दो, है ना। अब जो नॉन वेज होगा वो ऐसा दिखेगा, ख़त्म हो गया बात। तो आप वेज और नॉन वेज को दोनों को दिखा सकते हैं, अगर आप चाहते हैं नहीं इधर सटा हुआ आ जाए तो आप लिख दीजिए इसमें भी वही एंड, तो ये बटन को भी क्रॉस करके इस साइड आ जाएगा, ठीक है।
अगर आपको लगता है नहीं बटन हमको पहले चाहिए, पहले लास्ट में चाहिए, तो आप इसके स्पैन से पहले बटन बना दीजिए। फ्लॉट में ऐसे ही होता है, जो पहले मिलता है वो आखिरी चल जाता है, ऐसे अरेंज योर सेल्फ। ठीक है, तो आपका ये काम हो जाएगा। अब जो टेक्स्ट है, ये जो हेडिंग है, इसको और साइज़ में थोड़ा सा हमको ये बल्की लग रहा है, तो इसको हम H5 तक लेके जाते हैं, देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। H5, H6, चेंजेस नहीं आ रहा है इसमें। ओहो, गलत जगह पे हम कर रहे हैं, एक्चुअली हम गलत जगह पे कर रहे हैं। हमको करना है यहाँ, ये H2 दिख रहा है, H5 तक लेके जाते हैं, जब बहुत जो बड़ा साइज़ नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, इसके अलावा H4 तक भी जा सकते हैं, थोड़ा और बड़ा। ठीक है, और टेक्स्ट जो है उसका सेकेंडरी देखो। ठीक है, तो थोड़ा सा डिम दिखेगा, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा आप जो जैसे डिज़ाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।